कैसे आप लोग दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आपके बीएड के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैदिक कालीन शिक्षा। और इस वीडियो में हम जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्श क्या थे, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या था और उस शिक्षा की विशेषताएँ क्या थी। सो इन बिंदुओं पर इस वीडियो में प्रकाश डाला जाएगा। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को बच्चों। तो वैदिक कालीन शिक्षा की बात की जाए तो वैदिक कालीन शिक्षा भारत की एक प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है। मतलब जब पूरी दुनिया में कहीं शिक्षा की बात की थी तो उस समय भी भारत में एक शिक्षा का स्वरूप था, एक शिक्षा की बात की जाती थी और उस समय भी भारतीय लोगों को शिक्षा दी जाती थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा को प्राचीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा के भी नाम से जाना जाता है। तो यह भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है। अब इसमें अगर हम बात करें कि यह शिक्षा कहाँ होती, वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी और अपने गुरु के सानिध्य रहकर जो भी विद्यार्थी थे या शिक्षार्थी थे वो अपने गुरु के पास गुरुकुल में जाते थे और घर परिवार से दूर होकर उन्हीं के शरण में जाके शिक्षा प्राप्त करते थे वैदिक कालीन शिक्षा में। और यह शिक्षा न केवल सामाजिक, अब यहाँ पे देखिएगा कितनी चतुराई से यहाँ पे शब्दों को बनाया गया है कि यह शिक्षा न केवल सामाजिक बल्कि अर्थ, अस्त्र शस्त्र, संगीत, राजनीति, ज्योतिष, खगोल आदि से भी जुड़ा हुआ था। मतलब वैदिक कालीन शिक्षा में सामाजिक शिक्षा तो दी जाती थी, इसके साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र शिक्षा, मतलब तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, भाला चलाना, युद्ध का अभ्यास करना, ये सारी भी शिक्षाएं दी जाती थी। साथ ही साथ संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी, राजनीति, कैसे आप अपने राज्य को अच्छे से चला सकते हैं, कैसे दुश्मनों के कूटनीति से अपने राज्य को बचा सकते थे, तो राजनीति शिक्षा। ज्योतिष के बारे में बताया जाता था कि तारों, सितारों, ज्ञान, ज्योतिष, राशि, इसके बारे में भी शिक्षा दी जाती थी। और खगोल यानी कि फिर से वही बात, तारों, खगोल विज्ञान के बारे में भी बताया जाता था। तो वैदिक कालीन में इन सारी शिक्षाओं के ऊपर बात की जाती थी, ये सारी शिक्षाएं दी जाती। अब हम वैदिक कालीन की शिक्षा के अर्थ की अगर हम बात करें कि वैदिक कालीन शिक्षा वास्तव में क्या हुआ करती थी, तो वैदिक कालीन शिक्षा का मतलब कि वह शिक्षा जो वेदों के अनुसार हो, जैसे वेद एक इंसान को रहने का, जीवन जीने का तरीका बताता हो, उस प्रकार इंसान को बना देना, यह वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ था। तो शिक्षा के अर्थ की अगर हम बात करें कि वैदिक कालीन शिक्षा वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है, तो वेदों के अनुसार वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। मतलब ज्ञान को प्राप्त करना, विद्या को प्राप्त करना, ये वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ है। वेदों के आधार पर शिक्षा ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्मा की खोज, मतलब आप ज्ञान की खोज करें, आप अपनी आत्मा को सुन लें, आपकी आत्मा चाहती क्या है, और ब्रह्मा यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही वेदों के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। वैदिक काल में शिक्षा इसी चीज़ पर बल दी जाती थी कि आप अपने जीवन शैली इस तरीके से बिताएं, यह दुनिया क्या है, यह भौतिक जगत है, यह टेम्प्ररी है, यह ख़त्म होने वाली चीज़ है, असल जीवन या वास्तविक जीवन आपका वो है जब आप इस दुनिया से हट के स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, यानी कि अपने ईश्वर को प्राप्त करेंगे, वो आपका असल जीवन है। तो वैदिक शिक्षा इसी बात पे फोकस करती थी। वैदिक शिक्षा का यही प्रमुख उद्देश्य था कि ज्ञान की खोज, आत्मा की खोज तथा ब्रह्मा की खोज, ब्रह्मा को पा लेना, ईश्वर को पा लेना, शिक्षा के उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना होता था। और शिक्षा क्या था बच्चों, वेदों में शिक्षा मोक्ष प्राप्त करने का साधन था, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन था, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने का साधन था, यह वेदों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था। इसीलिए कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ति, मतलब विद्या वही जो इंसान को मुक्त करे, मुक्ति दिलाए सांसारिक बंधनों से, ईर्ष्या से, क्रोध से, झूठ से, लालच से, इन सब से मुक्ति पाकर आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, वही वास्तव में विद्या है। अर्थात विद्या वही है जो आपको मुक्ति दिलाए, सा विद्या या विमुक्ति। तो ये विद्या का, शिक्षा का अर्थ हुआ वैदिक कालीन शिक्षा में। अब आइए, अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ आदर्श और उद्देश्यों के बारे में कि वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्श क्या थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़े ही अच्छे शब्दों में वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्श को प्रकाश डालते हुए डॉक्टर A.S. ऑलतेकर ने लिखा है। ये इनके शब्दों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा था कि ईश्वर भक्ति, ईश्वर की भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य आदर्श तथा उद्देश्य समझे जाते थे।
बात समझ में आ गई। इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए आपको, उस पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने रखा है। पूरे वैदिककालीन शिक्षा के आदर्श और उद्देश्यों को इन्होंने समराइज कर दिया है। ईश्वर की भक्ति, ठीक है, ईश्वर की भक्ति की अगर हम बात करें कि ईश्वर की भक्ति क्या है, इसको हम थोड़ी सी देख लेते हैं। ईश्वर, इन्होंने कहा था कि ईश्वर की भक्ति क्या थी। ईश्वर की भक्ति यानी कि आप शिक्षा का उद्देश्य था कि ईश्वर की भक्ति तथा धर्म के नियमों को कठोरता के साथ पालन करना। इसका उद्देश्य यही था बच्चों की शिक्षा के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेना, मतलब ईश्वर की भक्ति करना। सांसारिक आप जो भी काम कर रहे हैं कीजिए, लेकिन ईश्वर को मत छोड़ दीजिए। आपके ऊपर सदैव ईश्वर का नियंत्रण है, आपके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की निगाहें हैं, ईश्वर का ध्यान है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका पाप और पुण्य का फल आपको यहाँ से जाने के बाद प्राप्त किया जाएगा। तो आप अपने जीवन जो भी जिए ना, वो ईश्वर की भक्ति के रूप में जिए। अगर आप कहीं चल रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके चलने से किसी को तकलीफ ना हो, ये भी एक ईश्वर की भक्ति के अंतर्गत आता है। तो वैदिककालीन शिक्षा की अगर हम आदर्श उद्देश्यों की बात करें, तो सबसे पहला आदर्श इनका था बच्चों कि ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता की भावना। हर एक लोग धार्मिक भावना से जुड़े हुए थे, हर एक लोग धर्म से जुड़े हुए थे, हर लोग धर्म से बड़ा प्रेम करते थे। दूसरा बच्चों चरित्र का निर्माण। और ये चरित्र का निर्माण बहुत ही बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था का एक आदर्श था, जो कि आज के वर्तमान समय से बिल्कुल विपरीत है। चरित्र का निर्माण इस बात पे बहुत फोकस दिया था। उस समय झूठ बोलना, चोरी करना, पाप पुण्य, इस बारे में बहुत फोकस किया जाता था। तो वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य था कि बालक के चरित्र का निर्माण किया जाए। अगर बच्चा वहाँ शिक्षा लेने जा रहा है तो उसके चरित्र का निर्माण किया जाए। मनुस्मृति में कहा गया है कि उन वेदों के विद्वान जिनके चरित्र उत्तम नहीं है, पवित्र नहीं है, वह व्यक्ति कहीं अच्छा है जो सचित। अगर किसी इंसान के पास वेदों का ज्ञान है, अगर कोई इंसान बहुत ही वेदों का ज्ञान रखता है लेकिन उसका चरित्र सही नहीं है, इससे बहुत बेहतर वो है इंसान जिसका चरित्र सही है हालांकि उसके पास वेदों का ज्ञान नहीं है। सिमिलरली इसको हर एक धर्म में कहा जा सकता है। कोई इंसान नमाजी है, कोई इंसान पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है लेकिन उसका अंदर की नीयत सही नहीं है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए यहाँ पे चरित्र के निर्माण की बात की गई है कि विद्यार्थी के अंदर वेदों के ज्ञान से पूर्व चरित्र के निर्माण पे बल दिया जाता था कि बच्चों का चरित्र मतलब कैरेक्टर अच्छा हो, किसी से किसी को गलत तरीके से ना देखे, किसी को लूट चोरी करना ये सारी चीज़ों से बचे, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बने। तो ये क्या थे बच्चों, एक उनके प्रमुख उद्देश्य थे। अगर हम इन और पॉइंट्स की भी बात करें, आप इन्हीं पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करना है, ईश्वर की भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण और व्यक्तित्व का विकास। अब व्यक्तित्व का विकास का मतलब क्या हुआ, व्यक्तित्व का विकास का मतलब ये बच्चों कि एक इंसान एक अच्छा व्यक्ति बने। अच्छा व्यक्ति का मतलब वो अच्छा बोलने वाला बने, बुद्धिमान बने, व्यवसाय करने वाला बने, कार्य करने वाला बने, न्याय करने वाला बने, इंसाफ करने वाला बने। तो वैदिककालीन शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, न्याय, विवेक, कुशल वक्ता होना, वाद विवाद करने की योग्यता होना, आदर्श चरित्रवान होना आदि गुण आवश्यक समझे जाते थे। तो ये बच्चों क्या है, व्यक्तित्व के विकास करना, व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है बच्चों नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। ये आदर्श उद्देश्य माना जाता था। अगर कोई बच्चा इस वैदिककालीन में शिक्षा प्राप्त करने जाता था तो उसको उसके व्यक्तिगत कुछ कर्तव्य हैं और उसके सामाजिक कुछ कर्तव्य हैं। मतलब व्यक्तिगत आप परिवार से जुड़े हैं, आप बेटे एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा भाई बने, एक अच्छा पोता बने, एक अच्छे परिवार का सदस्य बने, तो आप अपने एक बेहतरीन नागरिकों का कर्तव्य बताया जाता था। उसके अलावा सामाजिक कर्तव्य भी सिखाया जाता था बच्चों को कि आपको इस समाज में रहने के साथ साथ आपका कुछ सामाजिक कर्तव्य भी है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास करना और नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य को पालन करना, ये क्या थी बच्चों वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक थे। दो पॉइंट्स को और हम देख लेते हैं, सामाजिक कुशलता का विकास और लास्ट है संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। आपकी राष्ट्र की जो संस्कृति है उसका बचाव करें और उसको प्रसार करें, लोगों तक फैलाएं, लोगों को बताएं, अपनी अच्छी चीज़ों को बताएं। राष्ट्रीय संस्कृति का मतलब आपकी जो भाषा है, आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, आपकी जो लोक भाषा है, आपके जो लोग खान पान है, आपका रहन है, पोशाक है, आपकी जो चीज़ है, उसको ख़त्म नहीं होने दें, उसको बचाएं और दूसरों तक फैलाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें अच्छी चीज़ें बताएं। तो ये क्या थी बच्चों, राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा संरक्षण का संरक्षण था, मतलब बचाव था और प्रसार करना था। सामाजिक कुशलता का मतलब क्या था बच्चों, सामाजिक वैदिककालीन में बालक को समाज में रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी जिसमें बालक अपने व्यवहार के जीवन को इस प्रकार
असफलता का सामना न कर पावे उसकी शिक्षा जीविकोपार्जन के योग्य भी बने। तो ये पॉइंट्स हो गए बच्चों आपके वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, ठीक है। आदर्श और उद्देश्य बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा था डॉक्टर A.S. ऑलतेकर ने। अगर आप इनके शब्दों को याद कर लेंगे तो आप इनके आदर्श भी लिख लेंगे और इनके उद्देश्य भी लिख लेंगे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की भक्ति जिसको हमने देखा, धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख आदर्श और उद्देश्य थे। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टर्स क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। आइए बच्चों इस पर प्रकाश डालते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रहा हूँ, इसके अंदर हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। तो पहली चीज़ ये थी कि गुरुकुल प्रणाली थी, वहाँ की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। मतलब आपको घर से, ऐसा नहीं कि आप सुबह 4 से 8 बजे गए स्कूल फिर आप आ गए, आप ऐसी बात नहीं है, आपको वहाँ गुरु के साथ रह के, गुरुकुल के अंदर रह के, गुरु के साथ रह के आपको शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। तो एक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। दूसरा था भैया उपनयन संस्कार का महत्व, ये इम्पोर्टेंस ऑफ द इनिशिएशन सेरेमनी। ये एक उपनयन संस्कार हुआ करता था जब बच्चा कोई विद्यालय में जब गुरुकुल में जाके वो अपनी शिक्षा आरंभ करता था, एक संस्कार होती थी, एक परंपरा थी, उपनयन संस्कार जिसको कहते थे। वास्तव में ये होता क्या, कई बार आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, एक नंबर या दो नंबर में, कि उपनयन संस्कार की व्याख्या करिए या उपनयन संस्कार होता क्या। तो देखिए हिंदू धर्मों के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार उपनयन संस्कार है। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए उप का मतलब होता है पास और नयन का मतलब होता है ले जाना, अर्थात उपनयन का अर्थ होता है कि पास लेके जाना। किसके पास लेके जाना? गुरु के पास लेके जाना, ठीक है। उपनयन प्राचीन काल में इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता थी। मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ाई शुरू करना चाहता था तो उसको गुरु के पास लेके जाता, कुछ मंत्र उच्चारण, कुछ पूजा होती थी, उसे जनेऊ पहनाया जाता था, टीका लगाया जाता था और इस प्रकार से उसकी उस समय से, उस दिन से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। तो वही गुरु के पास ले जाने की संस्कार को हम उपनयन संस्कार कहते थे, ठीक है। अब इसमें होता क्या था, लोग आज भी जनेऊ संस्कार करते हैं। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं, या 3 सूत्र 3 देवताओं के प्रतीक है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब इन तीनों को साक्षी मानकर आप अपने ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को शुरू कर देते हैं। यही नहीं, शिशु आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। इससे क्या होता है बच्चों, इस संस्कार करने से शिशु के अंदर बल, ऊर्जा और तेज की प्राप्ति होती है। यही नहीं, शिशु में आध्यात्मिक भाव भी जागृत होती है। आध्यात्मिक मतलब भगवान से वो जुड़ने लगता है। तो ये उपनयन संस्कार है बच्चों। उपनयन संस्कार कई बार आपसे पूछा जाता है पर्सनली भी। और उपनयन संस्कार क्या है, एक वैदिक कालीन शिक्षा की एक विशेषता है, ठीक है, कि शिक्षा शुरू करने से पहले एक उपनयन संस्कार होता था। ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल दिया जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में। शिक्षा में धार्मिक तत्वों को महत्व दिया जाता था, ऑब्वियस सी बात है, वेदों के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें धर्म के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना पड़ता था, धर्म के अनुसार आपको शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है, तो धार्मिक तत्वों को महत्व दी जाती थी। उचित समय पर शिक्षा शुभारंभ कर दिया जाता था, एक सही टाइम पर शिक्षा पढ़ाई बच्चों की शुरू कर दी जाती थी। और व्यवहारिक तथा पूर्ण शिक्षा पर बल, जैसे आजकल क्या है ना कि हमें याद कर लिया, हमने रट लिया, हमने एग्जाम दे दिया, ऐसी बात नहीं थी। वहाँ पे व्यवहारिक तथा पूर्ण शिक्षा पर बल दी जाती थी, जो आपके व्यवहार से जुड़ा, आपको करके सीखने का मौका दिया जाता था, ठीक है, आपको व्यवहार के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। तो व्यवहारिक शिक्षा पर बल। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध भी कई बार एक्सप्लेन करने की बात की है, तो गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा ही घनिष्ठ होता था। गुरु के उठने से पहले शिष्य उठ जाते थे, गुरु के सोने के बाद शिष्य सोते थे, गुरु की सेवा करते थे शिष्य, वास्तव में पैर दबाना, गुरुकुल में जहाँ रहते थे वहाँ की सफाई करना, वहाँ की जरूरत चीज़ों को ले आना, भिक्षा मांगना, गुरु का आदर भाव सम्मान करना, गुरु के लिए सब कुछ त्याग कर देना। तो गुरु और शिष्य के बीच बड़ा ही घनिष्ठ संबंध हुआ करता था। गुरु की कोई भी बात टाल नहीं सकते थे, काट नहीं सकते थे, गुरु और शिष्य के बीच में बहुत अच्छा संबंध हुआ था। चरित्र तथा व्यक्तित्व का विकास हो जाता था, जैसे हमने बात करी कि चरित्र और व्यक्तित्व के विकास पर बल दी जाती थी, ये उस शिक्षा की व्यवस्था हुई। भिक्षावृत्ति की प्रथा थी, मतलब एक विद्यार्थी, ओझा सर कहते ना कि विद्यार्थी और चपरासी की कोई इज्जत नहीं होती, तुम क्यों इज्जत से डरते हो, तो आपको भिक्षा मांग के खाना है, ठीक है, इसमें आपकी कोई शर्म की बात नहीं है। आपने ज्ञान, आप यहाँ पे शिक्षा हासिल करने आए हैं, आप यहाँ सीखने आए हैं, तो आपको भिक्षा मांग के, भिक्षावृत्ति की प्रथा थी।
दैनिक दिनचर्या का महत्व था। दैनिक दिनचर्या का मतलब फिक्स था कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, व्यायाम करना है, ये करना है, इतने बजे तक ये एक्सरसाइज करना है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, इतने बजे तक सो जाना है। तो आपको जो डेली रूटीन था उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस था, बड़ा ही महत्व था, एक फिक्स्ड आपका दिनचर्या होता था। उसके बाहर आप ऐसा नहीं कि आप रात को खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सुबह दिन में सो रहे हैं, ऐसा नहीं था। दैनिक दिनचर्या का बड़ा महत्व था। और हम ये देख रहे हैं वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। पालन पोषण तथा आदर्श वातावरण पर बल दिया जाता था। विद्यार्थी जीवन के बाद भी स्वाध्याय और सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा और बाहरी नियंत्रण से मुक्ति थी। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में बाहरी नियंत्रण से मुक्ति का मतलब ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने शिक्षित विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहा है। कोई करिकुलम सरकार नहीं तय करती थी, या कोई राज्य तय नहीं करती थी कि आपको ये पढ़ाना है, नहीं, वो एक गुरु, वो बाहरी शिक्षा से मुक्त थी। माँ बाप भी दबाव नहीं डाल सकते थे गुरु जी पे, वो गुरु के नियंत्रण में था, बाहरी शिक्षा से ये क्या था, मुक्ति थी। तो बच्चों ये हो गई बात वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताओं की। अक्सर आपसे सवाल इन्हीं तीनों से पूछा जाता है कि इसके आदर्श, उद्देश्य और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है यहाँ पे, कई बार अगर आपसे ये पूछ देता है कि समावर्तन संस्कार क्या होता है, तो आपने उपनयन संस्कार देखा। उपनयन संस्कार का मतलब जब विद्यार्थी शिक्षा लेना शुरू करता है तो उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। और जब विद्यार्थी का विद्याध्ययन पूर्ण हो जाता है, मतलब उसकी अब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है, तो स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु जी की आज्ञा पाकर अपने घर लौटता है, और इसलिए इसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। मतलब अब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, उसका अध्ययन पूर्ण हो चुका है, अब वो अपने घर को लौट जाएगा। अब अपने घर में जाके उस प्राप्त शिक्षा को अपने जीवन में लागू करेगा और उससे लोगों को शिक्षा देगा, उससे अपना जीवन व्यतीत करेगा। गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकार हो जाना समावर्तन संस्कार का फल होता है कि अब आप गृहस्थ जीवन में आ सकते हैं। प्राचीन समय में शिक्षा का यह समय करीब 16 वर्ष का होता था। विद्याध्ययन की समाप्ति के बाद समावर्तन संस्कार किया जाता था। मतलब प्राचीन समय में 12 साल की शिक्षा व्यवस्था थी, उसके बाद आप समावर्तन संस्कार के बाद आप घर को वापस आ सकते थे। तो बच्चों ये हो गई टोटल आपके वैदिककालीन शिक्षा की, अर्थ उद्देश्य देखा आपने, आदर्श देखा, इसकी विशेषताएं देखी, और यहीं से सवाल आपके पूछे जाते हैं। देखिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। एक मोस्ट रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अभी आपने मेरे शब्दों में सुना है, मेरे शब्दों में समझने की कोशिश करिए। अभी आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन जो भी पॉइंट्स को आपने देखा या समझा ना, पॉइंट टू पॉइंट आप अपने शब्दों में एक बार पेन और पेपर पे, आप पेन की सहायता से पेपर पे लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। लिख लेंगे तो आपको सदैव के लिए ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो मेरी तरफ से कोशिश थी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ आसान से शब्दों में, ताकि आप जब एग्जाम्स में देने जाएँ तो आपको ये चीज़ें और बेहतर से लिख सकें, पॉइंट टू पॉइंट करके लिख सकें। एक बार समझ गए तो आप अपने शब्दों में लिखिएगा, आप अपने शब्दों में, कहीं से कॉपी या पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप पॉइंट्स डालिए, हेडिंग डालिए और अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि एग्जाम्स में भी एज इट इज़ तो कोई नहीं लिख पाता। जो आपने सुना, जो आपने समझा, उसको लिख दीजिए। बाकी बच्चों वीडियो कैसी लगी, पसंद आया, समझ आया, कैसा बताया मैंने, इसकी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत खुशी होगी जब कोई बच्चा कमेंट में आके बताता है कि सर मुझे अच्छा लगा, या फिर कोई बच्चा अगर ये भी कहता है कि कहीं कमी रह गई है तो मैं उसको अपनी अगली वीडियो में सुधार करता हूं। तो मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से क्या होता है ना, वीडियो की रीच बढ़ती है और लोगों तक पहुँच जाता है। और एक और माध्यम है जिसके द्वारा आप और लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वो है शेयर के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे ही आपके साथ डिस्कस करके पढ़ा जाएगा। और इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लास्ट में कहता हूँ कि अगर पूरा काम पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, खुशी हुई मुझे ये वीडियो बनाकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, खुद का नोट्स जरूर बनाइए। और ये जो नोट्स है इसका PDF मैं टेलीग्राम वालों को शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप वालों को शुरू कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का दोनों का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। खास बात यह है कि अगर व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन करते हैं तो मैंने वो कम्युनिटी ग्रुप है जिसमें आपके नंबर्स कोई और नहीं देख सकता है सिवाय एडमिन के, तो बेफिक्र होकर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत साथियों।